ओके सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल 2.6। क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल 2.6? स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। अब ये जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस के यूज है। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी हमने 3 लिखे थे वही इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैसे आए थे, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैसे आए थे वो हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके देखा है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इक्वेशन कल न्यूमेरिकल देखा था ना जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किए थे, तो वही कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ये दो लेक्चर्स हैं। ओके, एक लेक्चर में पूरा डिफरेंशिएशन जो क्लास 11 और 12 के फिजिक्स में जो यूजफुल है वो, दूसरे में पूरा इंटीग्रेशन, वो तो देख लेना, फिर ये सारे न्यूमेरिकल तो ऐसे चुटकियों में होते हैं। ओके चलो, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, मतलब जो ऑलरेडी मूव कर रहा है, मूविंग व्हीकल मतलब जो मूव कर रहा है उसको जब तुमने ब्रेक लगाया, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो डेफिनेशन है, स्टॉपिंग डिस्टेंस किसे बोलेंगे कि भाई कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अभी तुमने ब्रेक मारा तो ऐसा तो नहीं है ब्रेक मारा तो तुरंत चिपक गए। ओके, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे जाती है ना गाड़ी आगे, ऐसे आवाज भी आती है। ओके सो ऐसे ब्रेक मार दिया तो ऐसे करके टायर भी नीचे घिस जाता है। ओके, रोड के साथ पता ही है ये तो। ओके, तो ऐसे फास्ट जा रहे हैं हम और फिर अचानक से ब्रेक मारा, फिर चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो, बस हो या ट्रेन हो, ब्रेक मारोगे तभी रुक जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं अपने पास कुछ, या फिर प्लेन भी हो कुछ भी हो, ब्रेक मारे और रुक गया तुरंत नहीं रुकता। ओके, वो सारे केस में टाइमिंग बहुत कम है रुकने का, लेकिन टाइमिंग तो है, टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं कि अभी ब्रेक मारा और रुक गए, ऐसा तो होगा नहीं। ओके, तो क्यों? क्योंकि सामने से जो फ्रिक्शन, हमारा इनर्शिया है ना, मूविंग मतलब क्या, इनर्शिया है, तो इनर्शिया अचानक से कैसे रुक जाएगा, ब्रेक मार दिया तो अचानक से कैसे रुक जाएगा, ब्रेक मारेंगे, ब्रेक मारना मतलब क्या, तुम्हारी जो मोशन है उसको कोई ऑपोजिट मोशन कर रहा है, मतलब हमारी गाड़ी ऐसे मूव कर रही थी और हमने ब्रेक लगाई तो हमने फ्रिक्शन इतना बढ़ाया। देखो मूवमेंट आगे कब हो पा रही है, फ्रिक्शन तो ऑलवेज लगेगा लेकिन मूवमेंट फिर भी हो रही है, मतलब क्या, ये जो यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं पेट्रोल जलाकर, ओके, या फिर साइकिल चलाकर हमारे मसल एनर्जी बर्न करके यहां से जो हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू मतलब फ्रिक्शन फोर्स, ये फोर्स से क्या है, कम है, तभी तो हम आगे मूव कर पा रहे हैं। अगर हम ये जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, कम होगा, शायद मान लो कि कम है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, तो ऐसे चले जाएंगे हम, रिवर्स चले जाएंगे, समझ में आया, जैसे कि कोई हमें धक्का मार रहा है, मान लो कि कोई फ्रिक्शन नाम का आदमी हमें धक्का मार रहा है, फ्रिक्शन नाम का आदमी हमें ऐसे धक्का मार रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, नहीं हम पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा फोर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है तो हम पीछे चले जाएंगे, लाइक दैट। ओके, तो कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट कब होगी, जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसका मीनिंग क्या है, फोर्सेस इन द प्लस एक्स डायरेक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फोर्सेस इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसका मीनिंग क्या है, फोर्सेस इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द फोर्सेस इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वही उसका मीनिंग है। अब जब तुम ब्रेक लगाओ तो तुरंत तो रुकने वाला नहीं है, साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, इसलिए तो एक्सीडेंट होता है कि ठुकने वाली है गाड़ी, पता तो चल गया, फिर भी तुम ब्रेक मारोगे तो जरूरी नहीं है कि रुक गए, तुम्हें तो आइडिया आ गया, दिमाग तो फास्ट, थॉट की स्पीड तो बहुत फास्ट है, तो वो तो सोच लेगा अब आज तो गए हम ऐसे। और तुमने ऐसे सोचा और उसमें ब्रेक लगा दी, लेकिन ब्रेक लगा दी दैट डज नॉट मीन कि तुम बच गए। ओके, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि अच्छा गए इसलिए तुमने ब्रेक लगा दी, लेकिन ब्रेक लगा दी तो टाइम तो लगेगा, इसीलिए तो डिस्क ब्रेक का कंसेप्ट आया है, रबर ब्रेक पहले हमारी, जैसे साइकिल है, साइकिल में भी पहले वो रबर, अभी भी आती है वो रबर आते हैं, जैसे ही तुम ब्रेक लगाओ तो टायर के दोनों साइड वो रबर ऐसे चिपक जाता है, तो थोड़ा बहुत टायर को वो घिसते हैं और फिर जाके साइकिल रुक जाती है, अब साइकिल में भी डिस्क ब्रेक आ गई है जैसे बाइक में है वैसे, तो जैसे ही तुम लगाओगे वो डिस्क ही बीच में आ जाएगी। ओके, तो वो मूव ही नहीं कर पाएगी, लेकिन डिस्क ब्रेक मतलब क्या, रबर के केस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है व्हीकल और से साइकिल को स्टॉप होने में,
ओके जैसे बाइक में पहले ड्रम ब्रेक आती थी, अभी डिस्क ब्रेक आ गई है, ओके तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, वो टाइम को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कि जैसे ही लगाए तुरंत लग जाना चाहिए, ऐसे तुरंत तो नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम को हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कम कर सकते हैं। पहले बहुत टाइम लगता था, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि बहुत कम टाइम लगता है। अंडरस्टूड? ओके, लेकिन पहले, ये तो अच्छी बात है ना कि जल्दी रुक जाते हैं हम पहले की कंपेयर में, फिर भी पहले की कंपेयर में पहले की कंपेयर में एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी वापस बढ़ भी उतनी गई है कि पहले उतनी स्पीड पॉसिबल नहीं थी और अब तो बहुत ज्यादा स्पीड पॉसिबल है, तो रुकने का फोर्स तो बढ़ गया है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, लेकिन आगे बढ़ने का फोर्स भी तो बढ़ गया है। पहले इतने फास्ट आगे बढ़ सकते नहीं थे, पहले कैसे सिंपल साइकिल थी, अब तो गियर वाली आ गई है, अब तो फिर टायर छोटे कर दिए हैं सब लोग, अब तो पहले रेस में रेसिंग बाइक यूज होती थी, अब तो रोड पे भी कोई भी नॉर्मल आदमी भी ऐसे साइकिल लेता है तो रेसिंग साइकिल लेता है, मतलब जो फास्ट चल सके, ओके लाइक दैट। तो कहने का मीनिंग ये सब समझ गए, कंसेप्ट था ये, तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब कौन सा डिस्टेंस, मैं मूव कर रहा हूं, यहां पर मैंने ब्रेक मार दी, अब इस पॉइंट से जितना मैं आगे चलूंगा तो ये जो यहां आके मैं रुक गया, ब्रेक मार दी थी ना, तो यहां ब्रेक मार दी, अब तो मैं मूव नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी गाड़ी इतना आगे आ गई, तो ये जितना आगे आ गई उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। डन। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी, तो रोड सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्यों? जैसे कि ये पूरा कैलकुलेशन, ये न्यूमेरिकल जो हम कर रहे हैं ना, वो कैलकुलेशन, वो एनालिसिस है, ये वन टाइप ऑफ एनालिसिस है। ओके, तुम सपोज सिविल इंजीनियर बन गए और गवर्नमेंट में चले गए तो तुम्हें ये न्यूमेरिकल फिर से करना पड़ेगा। क्यों? जैसे कि हम जाते हैं और फिर बोलते हैं यहां पर कि भाई स्पीड लिमिट 20, और फिर वहां पे चिपका दिया है आगे स्कूल है लाइक दैट, तो ये स्पीड लिमिट 20, स्पीड लिमिट 80, स्पीड लिमिट 40, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि आगे स्कूल है, यहाँ पे स्पीड लिमिट 20 होनी चाहिए। तो यहां पर अगर तुम्हारी स्पीड लिमिट 20 है, ओके, तो जैसे कि मैं 20 पे नहीं चल रहा हूं, मैं 40 पे चल रहा हूं, जैसे मैं आया और यहां पे मैंने देखा स्पीड लिमिट तो 20 है, मैंने यहीं पे ब्रेक मार दी, तो भाई स्पीड लिमिट 20 है, चलन कट जाएगा, आगे वो दरोगा खड़ा होगा, ओके, तो मैंने यहीं पे ब्रेक मार दी। क्यों? क्योंकि स्पीड लिमिट क्या है 20 और मेरी 40 थी, वो मारना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, अरे वो तो लिखते हैं 20, जाने दो, हम खाली गए पूरा, ऐसा नहीं, वो कुछ रीजन की वजह से लिखा हुआ है, आगे बम्प हो सकता है, आगे स्कूल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है स्पीड लिमिट 20, जैसे ही मैंने देखा स्पीड लिमिट 20, मतलब मैंने ब्रेक मार दी, तुरंत तो रुकेगा नहीं, ओके, वो लोग तो यही बोल देते हैं कि भाई आगे स्कूल है, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे आगे स्कूल है, यहाँ बोलेंगे स्पीड लिमिट इतनी है, और फिर यहाँ से तुम थोड़े आगे जाओगे, ब्रेक तो मार दी है, गाड़ी तुम्हारी कम हो गई, मतलब 20 पे आ गए तुम, अब बोर्ड तुम्हें दिखाई देगा साइन कन्वेंशन, स्कूल अहेड, ओके, स्पीड स्लो, स्कूल अहेड, समझ में आया? तो ये जो स्पीड लिमिट यहां रखी सो दैट यहां से स्कूल पहुंचने के टाइम इतना डिस्टेंस कवर्ड होगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर तुम सिविल इंजीनियर बन गए और गवर्नमेंट में चले गए, तो ये कैलकुलेट तुम्हें करना पड़ेगा कि भाई ये कितना कवर होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ब्रेक मारने के बाद यहां अगर स्पीड लिमिट 20 होगी तो ब्रेक मारने के बाद और 20 मीटर आगे जाएगा, ओके, ऐसा तुमने मान लिया, तो फिर ये तुम है ना और दूर लगाओगे, ये जो हमारा साइन कन्वेंशन है वो हम और दूर लगा देंगे, सो दैट पहले से ही वो लोग ब्रेक मार के आगे आए, समझ में आया? तो इसलिए वो जरूरी है किसमें, रोड सेफ्टी में। डन। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी पे ऊपर डिपेंड है, आगे स्कूल है, स्पीड लिमिट 20 है और तुम 30-40 पे भी नहीं चल रहे, तुम 80 पे चल रहे हो, तो तुम गए या कोई गया, अगर कुछ हुआ तो, अनहोनी हुई तो, ओके, हर बार भी ये तुम वर्ड यूज करूं ना तो तुम लोग मुझे बोलो, सर तुम नहीं, कोई बोलो, हमको क्यों प्रॉब्लम में डाल देते हैं, ओके, वैसे कुछ होने वाला नहीं है, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग लाइफ, बट एग्जांपल भी क्यों दे हम फोकट का, ओके, तो हम एग्जांपल लेंगे, कोई एक पर्सन जा रहा है, वो पर्सन 80 पे जा रहा है, ओके, और स्पीड लिमिट 20 है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी बहुत ज्यादा है,
ओके, तो डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑल्सो। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 और ब्रेक मारा, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और दूसरा कोई है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 80, वो भी यहां आके ब्रेक मारेगा और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दोनों सेम होगा क्या? सेम नहीं होगा। 40 वाला पहले रुक जाएगा, 80 वाला और दूर जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये सब कुछ समझने के लिए न्यूमेरिकल में नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी, किस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, रोड सेफ्टी के लिए जरूरी है, और दूसरा क्या, ब्रेकिंग कैपेसिटी, कि भाई तुम्हारी ब्रेक की कैपेसिटी क्या है। मतलब एकदम पुराने जमाने वाली गाड़ी यूज कर रहे हो जिसमें ब्रेक लगाएंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे, या टेक्नोलॉजी मॉडरेटली टेक्नोलॉजी वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, व्हीकल यूज कर रहे हो, कि हाँ पहले की कंपेयर में तो जल्दी, या फिर एकदम हाई क्लास, एकदम हाई एंड वाली जो ब्रेकिंग होती है वो यूज कर रहे हो। ओके, एकदम हाई एंड वाली वो यूज कर रहे हो, तो वो यूज कर रहे होंगे तो बहुत 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 कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा ब्रेक लगने के बाद। ओके, जैसे कि ट्रेन में और पर्टिकुलरली बस में हम यूज करते हैं न्यूमेटिक्स ब्रेक्स यूज करते हैं, न्यूमेटिक ब्रेक्स, ओके, जिसमें एयर होती है एंड ऑल, वो सब डिटेल्ड है, लेकिन कहने का मीनिंग है ब्रेकिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी ज्यादा है तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा, कम, लेकिन ब्रेकिंग कैपेसिटी ही कम है। ओके, ब्रेक ज्यादा मार ही नहीं सकते तुम, जो मारी वो खत्म, तो डिस्टेंस ज्यादा आगे चले जाएगा, तो डिस्टेंस हमारा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, और डी एक्सेलरेशन, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी को ही क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन। क्यों क्यों डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते थे क्लास 9 में, याद करो, सीधे सीधे जा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, लेकिन सीधे सीधे जा रहे हो और वेलोसिटी कम हो रही है, ब्रेक लगाई तो अब तो वेलोसिटी कम होगी ना, बढ़ेगी थोड़ी, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। जैसे अभी हम बोलते थे नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन अब कम हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो अभी भी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। अभी 50 था, ब्रेक मार दिया तो 40 होगी, 30 होगी, लाइक दैट। तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। और अगर 30, 40, 50, 60 ऐसे बढ़ रही हो वेलोसिटी, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग। ओके, तो ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, कंसेप्ट के लिए था। अब हमारा न्यूमेरिकल और थियरी यहां पर है, क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी नॉट और से यू एंड ए। तो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस का इक्वेशन निकालना है कि ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ यू एंड ए। समझ में आ गया हमें करना क्या है, कंसेप्ट समझ गए, हमें क्या करना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब हमारे पास, अगेन ये न्यूमेरिकल तुम स्टार्ट करोगे तो तुम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पहले ही लिख दोगे। क्या था हमारा, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डन। ये तीन लिख दिए, ढूंढना क्या बोला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो भाई यहां पर तो डिस्टेंस है ही नहीं, तो इसको मारो गोली। ओके, ये दोनों में डिस्टेंस है, अब ये दोनों में डिस्टेंस है तो यहां पर डिस्टेंस कौन सी टर्म्स के रिलेशन में गिवन है, यू टी और ए। एक्स का रिलेशन किस किस के साथ है, यू रिलेशन एंड फंक्शन, यहां भी आ गया, देखिए यू टी और ए इन तीनों के साथ है सेकेंड में, थर्ड में V, U और A के साथ है, थर्ड में T नहीं है, थर्ड में क्या नहीं है, T नहीं है, और सेकेंड में क्या नहीं है, V नहीं है, डन। और हमें क्या बोला है, U और V नॉट मतलब U, V नॉट मतलब क्या, U, तो U और A की टर्मिनोलॉजी में हमें लाना है, तो यहां पर U है और A है और V भी है, और यहां पर है U है और A भी है। ओके, तो तुम जो भी लाओ लेकिन आंसर तो सेम ही आने वाला है, जो भी इक्वेशन यूज, डन। तो पहले तो ये लिख लिया, अंडरस्टूड, अब पहला इक्वेशन तो हम यूज नहीं करने वाले, समझ में आ गया पक्का। अब जो जो पता है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू हम रखेंगे, जैसे कि तुमने यूज कर लिया है कौन सा, ये वाला इक्वेशन, कौन सा, लास्ट वाला। ओके, तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन हमें पता है वी जीरो हो जाएगा, क्यों, गाड़ी रुक गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो,
ब्रेक मार दी तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल जब पहुंच गए तब तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि मूविंग है, कार मूविंग है। यहां ब्रेक मार दी फिर भी मूव नहीं कर रही है और फिर यहां आके रुक गई, यही है स्टॉपिंग डिस्टेंस। लेकिन ये तो वी तो जीरो हो गया ना, यहां रुक गई, तो यहां पे वी क्या हो गया तुम्हारा? जीरो। ये जीरो हो गया, अब रहा क्या? सिर्फ यू का स्क्वायर। डन। अब ए तो क्या है हमारा? चेंज इन दी वैल्यू, एक्सेलरेशन है। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यहां पे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू मिलेगा ना वो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन, ब्रेक लगाई ना, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। वो याद रखो, अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है मतलब तुमने कुछ गड़बड़ की है। अंडरस्टूड? तो ऐसे चेक कर सकते हैं। तो देखो, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स बी द डीएस। इन्होंने डीएस बोला है, हम एक्स को एक्स ही रखे तो भी चलेगा, कि स्टॉप करने तक उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो क्या था? डीएस, जो बुक में डीएस बोला है। तुम बोलोगे कि एक्स है मेरा डिस्टेंस, तो एक्स रखो, कोई बात नहीं। ओके, चलो आगे। देन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा? यही लास्ट वाला, v square is equals to u square plus 2ax and noting that v is equals to 0, we have stopping distance is equals to, देखो अभी मैंने जैसे बोला, इसमें हम अगर v को 0 ले ले, ओके, तो क्या बन जाएगा? कि 2ax is equals to what? minus u square, ऐसा ही बन जाएगा, v को 0 ले लिया तो, ओके, v को 0 ले लिया, तो ये 0, तो बाकी जो है वो वैसे, तो अगर x निकालो तो क्या हो जाएगा? minus u square divided by y is a, देखो x मतलब हमारा डिस्टेंस और उन्होंने लिया है ds, जो भी लो तुम सही है, तो इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। और हमें क्या बोला था? ये फॉर्मूला निकालो किसके साथ रिलेशन में? u और a, तो ये तो u और a के में ही खत्म, खत्म बात ही खत्म हो गई, कुछ करना ही नहीं। x निकाल दिया किसके रिलेशन में? u और a, तो u और a के रिलेशन में आ गया है x। डन, ओके, समझ में आया? Thus the stopping distance is proportional to the square of the initial velocity. तो initial velocity के square के proportional में है और acceleration के 2 times के inversely proportional में। Done? Okay? So that's it. Okay? देखो लिखा हुआ है, thus the stopping distance is proportional to square of the initial velocity and doubling the initial. हाँ देखो, ये तो एक ऐसे ही है, तुम्हें जो डिराइव करना था वो तुमने डिराइव कर दिया, न्यूमेरिकल खत्म, न्यूमेरिकल खत्म हो गया। लेकिन जो गिवन है वो पढ़ते हैं, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीजेस द स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। कैसे हुआ ये देख, क्या बोल रहे हैं?